साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। मां नर्मदा मिशन के संयोजक भैया जी सरकार के द्वारा प्रदेश को संदेश में कहा कि आत्मनिर्भर ही मां नर्मदा है, मां बिना जीवन कुछ नहीं है। 92 दिन से बिना अन्न आहार के सोए शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उक्त विषय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी सामाजिक बंधु उपस्थित होकर उक्त विषय में मंथन किया गया, जिसमें पीयूष मिश्रा जी के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें संगीता सोलंकी, वैभव सोलंकी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित मुकेश दुबे, धर्मेंद्र ओझा, रत्नेश दुबे, लॉयंस क्लब अध्यक्ष राजकुमार गुबरेले आदि शामिल हुए। होशंगाबाद से मुकेश दुबे की रिपोर्ट। राज्य सरकार से जवाबदार जिम्मेदारों से है कि एक कन्या के लिए यदि फांसी की सजा का प्रावधान और कानून यदि लोकतंत्र के मंदिर में बन सकता है, तो जो लाखों करोड़ों को जो जीवन दे रही है उस सिर्फ कन्या के लिए भी ऐसे ही आज कानूनों की आवश्यकता है। तब ये दबंग पूंजीपति माफिया जो हर पहर क्षण क्षण जो माँ के आंचल के साथ छेड़ रहे हैं, जहाँ माँ के आंचल को खत्म कर रहे हैं हर क्षेत्र को, वहीं दूसरी तरफ बड़ी तीव्रता से वो दुनिया का सबसे असाधारण जल, जिसको हम नर्मदा का जल बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे असाधारण जल है। उस वो जल जहाँ एक तरफ धीरे धीरे मलमूत्र और गंदे नालियों से रसायन मिल रहा है और वो असाधारण जल धीरे धीरे एक तरफ दूषित हो रहा है, वहीं उसके तटवर्ती क्षेत्रों में वो हरित क्षेत्र माँ का आंचल कम होता जा रहा है। तो माँ नर्मदा का जल एक तरफ जहाँ प्रदूषित हो रहा है, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई पहर नहीं है जब माँ के आंचल में वो मलमूत्र का मिलना ना हो, विषैला रसायन जो है क्षण क्षण मिल रहा है, क्षण क्षण वो नर्मदा का वो अमृत तुल्य जल जो है वो दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ। और दूषित होने के कारण ये परिणाम है कि गांव नगर में संक्रमण, महामारियां, व्याधियां, जब जल दूषित होगा हुआ से, तो निश्चित रूप से हमारे गांव नगर में संक्रमण और महामारियां फैलेंगी, ये कारण है। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदाओं के संकेत हो रहे हैं, भीषण प्राकृतिक आपदाओं के केंद्र नर्मदा के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। आज बहुत सारा जो अमरकंटक से लेकर डिंडोरी और मंडला के आसपास ऐसे सैकड़ों गांव हैं नर्मदा के किनारे जो आज सूखे की चपेट में आ रहे हैं, जिनका भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है और जल कोष खाली हो रहा है। उसके पीछे है कि वो स्वनिर्मित जो प्राकृतिक जो जल संरचना है उसको मिटाने का कार्य माफिया और धर्म सेवा की आड़ में नीति और कानूनों के विरुद्ध जो है नर्मदा के वर्ष पर लगातार काम हो रहा है। और बात सिर्फ इतना ही आह्वान हम गांव नगर से और जवाबदार जिम्मेदारों से कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम घर द्वार को सबसे बेहतर कर देते हैं, सबसे सुरक्षित, मेरा घर द्वार सबसे सुरक्षित, मेरा घर द्वार सबसे व्यवस्थित, मेरा घर द्वार सबसे अच्छा हो, ये हर एक का सपना होता है। आज वैसे ही उस द्वार से जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उस द्वार को सबसे बेहतर करने के लिए ये सत्याग्रह, ये व्रत है, उस द्वार को सबसे व्यवस्थित करने के लिए जिससे हमारा जीवन है, जिससे हमारा अस्तित्व चलता है। और आज यदि ये तीव्रता से ऐसे ही ये नीति और कानूनों के विरुद्ध, धर्म संविधान के विरुद्ध यदि ये दबंग पूंजीपति माफिया धर्म सेवा और पंथों की आड़ में यदि मान नर्मदा के उस हरित क्षेत्र को, जल संग्रहण क्षेत्र को, आंचल को खत्म करते जाएंगे, तो आने वाले 2025 से 30 में, 2021 में डिंडोरी और अमरकंटक के नीचे के पर्वत के नीचे के गाँव में आज वो पानी नहीं है, दो दो चार चार किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है। आज ये स्थिति नर्मदा के किनारे के तटवर्ती है कि भूमिगत जल जो जल कोष है वो खत्म होता जा रहा है। 200-250 फुट पर, 500 फुट पर पानी नहीं है, और पानी होता है तो वो आधा घंटे के लिए मोटर चलती है। आज धीरे धीरे वो जल स्तर में बड़ी तीव्रता से कमी भी आई है, और फिर जो है उस वो दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। तो ये उस नर्मदा के मार्ग जो हमारा जीवन है, उस जीवन को संरक्षित कर, ये जीवन रक्षा के लिए है। और प्रत्येक गांव और नगर से हम अभी 90 दिनों से जुड़े हैं, लगातार अमरकंटक से लेके संपूर्ण पथ पर जो गांव और नगर आ रहे हैं, हम एक ही सत्य का आग्रह करते हैं,
कि नहीं समय रहते यदि हमने अपने द्वार को जिस गांव नगर जिस द्वार से चलता है उसको यदि हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में जहां एक तरफ गांव नगर समाज संक्रमण और महामारियों से ग्रसित होता चला जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आने वाले वर्षों में और आने वाले समय में भीषण आपदाओं का केंद्र हमारे गांव नगर होंगे। वो भीषण आपदाएं का केंद्र हमारा द्वार ना बने वो पथ ना बने इस कारण से जो है कि पूरे संपूर्ण पथ में गांव नगर जवाबदार जिम्मेदार से जो है हम बोर्ड कराने का काम जो है कर रहे हैं। और कुछ लेना जिस तरीके से आपने बताया गांव नगर और समाज और जल की कमियां आते जा रही है ये कार्य सरकार का है, सरकार को आप कितने बार पत्र भेज चुके हैं, किस तरीके से आप सरकार से बात सामने बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।